चलो, सो आई थिंक लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था बेटा, कुछ कुछ चीजें, म्यूचुअल इंडक्टेंस। किसी कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस में पूछना है? नहीं, सुनो, अब हम पढ़ने वाले हैं एक शानदार बेहिसाब टॉपिक जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इस कलर से किसी को दिक्कत बेटा? यस सर, चेंज कर दो। सर दिक्कत है, जैसे इंटर चेंज आईडी करो। लग रहा है सर इतना। अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं, अब नहीं आएगी दिक्कत। अब अब ठीक है सर, ठीक है सर। सियान कलर है ना सर ये? ये बेटा पता नहीं मैं सर कलर सियान का कलर कहते हैं इसको। सियान नाम नहीं पता। ये थोड़ा सा, इसको हम लोग बोलते हैं हल्का ब्लू। ठीक है चलो, अल्टरनेटिंग करेंट। नाउ थोड़ा सा आपको बैकवर्ड होके सोचना पड़ेगा। बैकवर्ड का सेंस ये है अभी यहाँ पे बोलने का बेटा, कि व्हाट इफ सपोज वी डोंट हैव अ सोर्स ऑफ करंट। सबसे पहली बात कि बहुत पहले के जमाने में जब करंट का सोर्स नहीं होता था तो व्हाट वी यूज, तो हम जनरली यूज करते थे, अगर आप ये बात को जानते होगे तो सबसे पहले हमने कोई किया था कैंडल्स। कोई ठीक है, विच इज नहीं इन्वेंटेड। वैक्स तो इन्वेंट हुआ इंडिया में, कैंडल का कुछ पार्ट इंडिया में इन्वेंट हुआ, कुछ पार्ट चाइना में, बट हमारे पास एक लालटेन का सिस्टम था, जानते हो क्या आप? यस Yes. अरे सर, सर, लालटेन और अभी भी अल्टरनेटिंग करंट देखा का है। क्या लेना देना है? मैं बताऊंगा, डोंट वरी। हमारे पास लालटेन था, हम उसको जला के पढ़ते थे। क्या वहां पे फ्यूल कंजम होता था बेटा? हाँ सर, फ्यूल कंजम होता ही था। यानी कि जो पुरानी टेक्नोलॉजीज थी सब में क्या कंज्यूम होता था? फ्यूल कंजम्पशन होता था। अच्छा ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। क्या इस फ्यूल कंजम्पशन से बेटा कार्बन प्रोड्यूस होता था? बहुत हाई अमाउंट में कार्बन प्रोड्यूस होता था। अगर आपको याद हो बेटा, हाँ थोड़े टाइम में ना वो ग्लास जो है काला हो जाता था, अगर आप गांव वगैरह गए हो तो होता था। दैट इज एक्चुअली कार्बन दैट प्रोड्यूस ड्यू टू फ्यूल कंजम्पशन। ये आप सीखोगे भी आगे, ठीक है? अभी के लिए मैं आपको एक जनरल व्यू देना चाहता हूँ। तो अब आप सोच के देखो कि व्हाट इफ मैं इसको लार्ज पैरामीटर में ले जाऊं। व्हाट इफ एट लार्ज पैरामीटर, मतलब बेटा अगर मैं इसको बड़े पैमाने पे सोचूं, व्हाट इफ एट लार्ज पैरामीटर, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, बड़े पैरामीटर में बात करूं, तो क्या होगा? अगर कोई इंडस्ट्री में हम फ्यूल कंजम करें तो कार्बन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा, सोच के देखो। मैं ऐसे लिख देता हूं, लार्ज फ्यूल, और ये क्या करेगा? लार्ज कार्बन प्रोड्यूस करेगा। सर थोड़ा सा अलग दिया है सर एनसीईआरटी में। नहीं बेटा, मैं उसी कॉन्टेक्स्ट पे लेके जा रहा हूं, आपको ये समझ में आए कि क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, और लार्ज फ्यूल यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? लार्ज कार्बन प्रोड्यूस होगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो शुरू में तो ये सब ठीक चला कि यार हमें कोल मिल गया, हम कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हर मशीन को चलने के लिए पावर चाहिए, दैट कैन बी मैकेनिकल पावर। तो क्या बड़े बड़े मशीन को आप हाथ से चला दोगे? कभी नहीं चला पाओगे बेटा, यू नीड मशीन्स। तो उन मशीन्स को चलाने के लिए बेसिकली हमको किसकी जरूरत पड़ी? करंट की जरूरत पड़ी। अब हमने ये देखा, हमने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन देखा, करंट में दो तरह के करंट, वैसे तो बहुत तरह के होते हैं, बट आई विल सेपरेट दिस इन टू फॉर्म। तो जो करंट था बेटा, ये करंट थोड़ा थ्योरेटिकल है, एक दो पॉइंट उसके बाद क्वेश्चन शुरू होगा। ये करंट हमने अभी तक कौन सा पढ़ा बेटा, किसी को याद है क्या? डायरेक्ट करंट। एक और टाइप का करंट होता है, कोई जानता है? ऑल्टरनेटिंग करंट। मेरा सवाल ये है कि क्यों दो तरह के करंट होते हैं? सबसे पहला सवाल, सर इनके सोर्स अलग अलग थे। पर हमको जरूरत क्या पड़ी होगी बेटा जब हमारे पास डीसी करंट आ ही गया था? व्हाई वी नीड एसी करंट? व्हाई वी नीड सर वो ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा। सर डीसी करंट डोमेस्टिक यूज के लिए होता है, करंट? एसी करंट में लार्ज पैरामीटर्स पे चाहिए होगा, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। राधे राधे बेटा, राधे राधे। पता है एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बात, को हम स्टोर कर सकते हैं, एक को नहीं कर सकते। ठीक है चलो, वेरी गुड। कुछ कुछ पॉइंट आप लोगों ने सही बोले, अच्छा लगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर मान लो एक केस में ऐसे पूछता हूँ, एक केस में पूछता हूँ कि ये मेरा एक मशीन है, कोई भी मशीन है। अब आप बोलोगे सर ये क्या? बेटा एक रिप्रेजेंटेशन है मशीन का, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए 230 वोल्ट 5 मिनट तक, और उसके बाद मुझे चाहिए 120 वोल्ट 3 मिनट तक, ठीक है।
पहली बार ये होना चाहिए 2 घंटे तक, 2 घंटे ऐसा चलना चाहिए सिस्टम, मतलब 5 मिनट में 5 मिनट तक 230 वोल्ट, 3 मिनट तक 120 वोल्ट। फिर समझाता हूँ बेटा, कोई एक मशीन है जिसको चलाने के लिए हमको इतना बिजली की आवश्यकता है, 5 मिनट 230 वोल्ट, 3 मिनट 120 वोल्ट। सर ये समझ नहीं आ रहा है, कितने लोगों ने मिक्सी चलाया, रेज हैंड करो। सर क्या मिक्सर बेटा, मिक्सर ग्राइंडर होता है। सर रोज रहता है। हाँ ठीक है, चलो सबने चलाया। अच्छा एक बात बताओ, क्या आप उसको कम ज्यादा करते हो क्या? क्यों आप करते हो? सर किसी चीज को हमें थोड़ा कम वो करना, ग्राइंड करना होता है, किसी को हमें पूरा ही मिक्स कर देना होता है, पतला कर देना होता है। वेरी गुड, मतलब सर कुछ चीज लो पावर पे सही से नहीं ग्राइंड हो पाती, उसे हाई पावर कम पे नहीं होती और ज्यादा पे कभी भी अच्छी ग्राइंड हो। चलो ठीक है बेटा, अगर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सुनना अब उससे रिलेट करके देखना। डायरेक्ट करंट, ये कलर बताना बेटा, मैंने तपस्या करके इस कलर को पाया है। डायरेक्ट करंट मैग्नेटिक है, अच्छा है। एंड डायरेक्शन, आज बैठ के बनाया मैंने इसको कस्टमाइज करके, ठीक है। डायरेक्ट करंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट वेरी विद टाइम। इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो टाइम के साथ नहीं बदलेगा। एक मिनट सर, मतलब इसका सीधा सा मतलब ये बेटा, अगर मिक्सी को कभी आपको कम पे चलाना पड़े और डायरेक्ट करंट से चला दोगे क्या होगा? क्या होगा सोच लीजिए, ठीक है। इसमें एक और चीज अगर आप बहुत ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द टर्म फ्रीक्वेंसी? यस सर। चलो ऑलमोस्ट सभी लोग, 1/time। इसमें बेटा एक बार ये भी सवाल पूछा गया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी करंट की? इट इज जीरो। इज इट एनी चेंज इन द टाइम या डायरेक्शन में टाइम के साथ? No, sir. हाँ हाँ बोलो बेटा, थोड़े के जीरो में इनफिनिटी होनी चाहिए ना फिर तो, 1/0 इनफिनिटी। मैं बताता हूँ क्यों जीरो मैंने बोला, इसके पीछे का रीजन, बैटरीज और जो सेल्स होते हैं दे आर रियल सोर्स ऑफ ईएमएफ, या दे आर सोर्स ऑफ ईएमएफ। रियल वियल तो फालतू बात हो गई, ये बेटा ईएमएफ के सोर्सेस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या लिखवाया सर आपने? कुछ नहीं बेटा, मैं बताता हूँ, देखो मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ तो आपको शायद ज्यादा समझ आए क्यों मैंने जीरो लिखा है वहां पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट स्लोर, जब कोई थी सर अल्टरनेटिंग का होता है I/T का, I/T। और मैं बोल रहा हूँ ये लाइन स्ट्रेट है तो इसको मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ। यस सर, हर स्ट्रेट लाइन को हम कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज अ ग्राफ ऑफ डीसी करंट। सर वो ऊपर नीचे से शुरू होता था सर डीसी का। अरे बेटा ये देखो, अगर इसमें आप देखोगे तो क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है? इट इज नॉट चेंजिंग, ठीक है। और बैटरीज और सेल को क्यों मैंने बोला ईएमएफ का सोर्स है? बिकॉज दे प्रोड्यूस similar amount of current, they cannot compromise with the amount or with the voltage regulation of current. अच्छा 9 volt की battery है बेटा, ऐसा होता है कि 6 volt 3 volt 6 volt 3 volt ऐसा हो रहा हूँ? No sir, कभी नहीं होता। हाँ मैं मानता हूँ कि मान 9 volt की battery है तो शायद 8.999 volt गई हो, 1 volt शायद resistance में loss हो गया हो, heating में loss हो गया हो, ये मैं मान सकता हूँ। पर ये मैं नहीं मान सकता हूँ कि 9 volt की battery और 6 volt ही पहुंचे, ठीक है। हाँ अब आते हैं अपने कोर टॉपिक पे कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। एंड सर जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। वेरी गुड बेटा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन कैन चेंज। सर एंगल के साथ भी चेंज होती है, के साथ भी। अभी मैं एंगल वाले टॉपिक पे आऊंगा, फिर सेल्फ इंडक्टेंस बताऊंगा आपको, ठीक है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यार मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो इसकी पढ़ाई करना, इस फिर से बताता हूँ वर्ड ध्यान रखना, इसकी पढ़ाई करना इतनी आसान नहीं है बेटा जितनी आसान इन्होंने बना दी है। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इतनी आसान इसकी पढ़ाई को बनाई है, रेस्पेक्ट देम। क्योंकि आप सोच के देखो कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक आदमी सीधा जा रहा है
यहाँ से ऐसे जा रहा है, आप तुरंत रिजल्टेंट बना दोगे कि सर ये रिजल्टेंट है, बट अगर मैं बोलूं यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, अब बताओ, बोलोगे सर यहाँ से जोड़ देंगे रिजल्टेंट आ जाएगा, ठीक है कोई बात नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाली डिस्टेंस, तुम एक ही इमोजी भेजोगे हाथ जोड़ने वाला, ठीक है, एंड जस्ट थिंक कि उन्होंने कर दिया था। निकोला टेस्ला, इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ, सोच के देखना, जस्ट थिंक द माइंड कि यार वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को हर टाइम चेंज कर सकते थे, कोई बहुत आसान काम नहीं है बेटा ये कंट्रोल करना, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, दैट इज एनर्जी एक्चुअली। ठीक, अब सुनो, अब इसको मैं थोड़ा ग्राफ से समझाना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि एसी को अगर ऐसे समझाऊंगा, अब हम थोड़ा बात करते हैं एसी करंट के बारे में, और बेसिकली मैं इस पे टॉपिक लूंगा ग्राफ, मैं इसको होली ग्राफ पे रिप्रेजेंट कराना चाहूंगा। तो फर्स्ट ग्राफ जो एसी करंट का बनता है, ठीक है, इसको साइनोसोडल ग्राफ भी बोलते हैं, क्यों साइनोसोडल बोलते हैं ये भी बता देता हूँ, डिपेंड करता है, ये है जीरो, ये है वन, दिस वैल्यू अगेन फॉल्स इन, यहाँ कितना आएगा बेटा, जीरो, जीरो, यहाँ माइनस वन, साइन जीरो, जीरो, साइन नाइनटी, वन, और साइन 180 कितना होता है बेटा, जीरो, जीरो, साइन 270, माइनस वन, साइन 360, जीरो, जीरो, जीरो। So if I am representing them with respect to sine curve, तो मैं बोल सकता हूँ बेटा यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू आ रही है, अगर मैं इसी ग्राफ को ट्रांसफॉर्म करूं और इसको मैं साइन के कर्व में, इससे मैं साइन का कर्व डिफाइन करने की कोशिश करूं, इससे मैं साइन का कर्व डिफाइन करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन जीरो, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन नाइन, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ साइन जीरो, यहाँ पे साइन 370, 360। अब आपको समझ में आया बेटा इसको साइनोसोडल वेव क्यों बोलते हैं? Yes. किसी को डाउट बेटा तो बोलो, मैं फिर बता देता हूँ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज साइनोसोडल वेव, ठीक है, साइनोसोडल वेव। अब ये बहुत इजी बात है निकोल सर, फंक्शन है, हाँ हाँ अमित बेटा बोलो, हाँ अमित बेटा बोलो, आपने रेज हैंड किया सर, हाँ बेटा सर, आपने जीरो से स्टार्ट किया लेकिन नेगेटिव भी तो होती है बेटा, नेगेटिव होती है नो डाउट, बट जब भी हम साइनोसोडल वेव की पढ़ाई करते हैं, देखो हम दो ही कर्व को लेके पढ़ाई करते हैं, एक कर्व यहाँ से शुरू होती है, नेगेटिव यहाँ पे हो ही तो रही है बेटा, ये देखो ये रीजन में नेगेटिव तो है और ये रीजन में पॉजिटिव है, ठीक है, और एक और कर्व आता है वो कॉस का कर्व होता है, वो यहाँ से हम बनाते हैं इतना गैप छोड़ के, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, ठीक है, अभी मैं आऊंगा उस पॉइंट पे भी, ठीक, चले आगे, अभी भी डाउट है बेटा अमित आपको, नेगेटिव रीजन भी हमने दिखाया है इसमें, आई थिंक अब डाउट नहीं है, अब एक और पार्ट में हम डील करते हैं, ठीक है, जो कि उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, और आजकल आजकल जितनी मशीन से, और जो ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये सब इंजीनियरिंग करना चाह रहा है उसके लिए ग्राफ बहुत जरूरी है, दिस इज अ ग्राफ जो उस टाइम तो इन्वेंट नहीं हुआ था, थोड़े दिन बाद इन्वेंट हुआ, बट आप देखोगे कि इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, अगर मैं बताऊं बेटा तो इस ग्राफ का किसके रिस्पेक्ट में, करंट का टाइम से, करंट और टाइम इसी पे हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, मैं बताता हूँ इसका यूज कहाँ होता है, अगर मैं अभी यूज बताऊंगा तो आपको शायद ना समझ में, क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको इसका यूज बताऊंगा एक वीडियो दिखा के, दिस इज करंट, दिस इज टाइम, इसको क्या बोलते हैं पता है किसी को, स्क्वायर वेव, ठीक है सर, इज इट दिस मच ओनली, नहीं बेटा एक और इसका फॉर्म होता है जो जनरल फॉर्म होता है, मैं बस वही बता रहा हूँ, मैं अभी आपको बहुत डीप में तो नहीं लेके जाऊंगा, जो जनरल फॉर्म है बस उसी पे डील करा रहा हूं, क्या किसी ने कभी ऐसा कुछ देखा है ट्रायंगुलर वेवफॉर्म? हाँ देखा है सर, यस सर, इसको उल्टा कर दो तो ये मॉडुलस हो जाएगा ना, जिंट फंक्शन, ठीक है, जिंट फंक्शन, चलो सिग्नम जिंट, ठीक है, एनीवेज चलो ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म,
सर आप इतने तरह का ग्राफ क्यों बता रहे हो जब यही साइनसोइडल यूज होता है तो व्हाट इज द नीड सर इतने तरह के ग्राफ जानने का? आपको ये सारे कर्व बहुत सिंपल लग रहे होंगे बेटा, बट दे आर नॉट सिंपल, दे आर मींस लाइक जब आपका मोटर चलता है या आप कभी गुजरे हो बेटा एक मशीन के पास से या ट्रांसफार्मर के पास से? यस सर। कभी किसी के वहां पे ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हुआ है क्या? हाँ सर। यस सर। यस सर। बारिश में बहुत होता है। इसका जो ऑयल होता है अगर ये बॉडी में लग गया ना, अगर ये बॉडी में लग गया इसका ऑयल, वैसे ब्लास्ट होता है तो ऑयल तो उतना रहता नहीं है, अगर इसका ऑयल गलती से बॉडी में लग गया तो जिस भी रीजन में इसका ऑयल लगेगा बेटा वो रीजन आर पार कर देगा, इसका ऑयल इतना खतरनाक होता है। ठीक, का हुआ? डर गए? छाता लेके चलो। ठीक है, शरीर आर पार कर देना तो छाता कैसे छोड़ेगा? पत्थर पत्थर का छाता बनवा और लेके चलो। चलो अब मैं आता हूँ वापस अपने टॉपिक पे, जहां से अब मैं एक और टॉपिक बताऊंगा आपको, सेल्फ इंडक्टेंस। कि सेल्फ इंडक्टेंस क्यों एसी में पढ़ना ज्यादा सही है एज कम्पेयर टू ईएमआई, ये मेरा थॉट है, अब आप भी शायद इसको समझोगे। नाउ एसी करंट तो ठीक है, बट ये जनरेट कैसे होता है? तो मैं थोड़ा इसके जनरेशन पे जाना चाहूंगा, जनरेशन ऑफ जनरेटर एसी करंट। वेरी गुड बेटा, जनरेटर से हम जनरेट कराएंगे, बट मैं अगर आपको तो ये चीज मैंने पढ़ा दी आपको ऑलरेडी। कहाँ पढ़ा है सर? नहीं पढ़ा है, पढ़ा दी। डायोड से कौन सा करंट जनरेट होता है? हाँ बेटा, डायोड। हाँ सर, डायोड का एक फंक्शनल एलिमेंट है बेटा। ओके ठीक है चलो। ऐसा कोई फोटो हमने बनाया था क्या? ले फोटो, ऐसा कोई फोटो हमने बनाया? इस फोटो में आपने बनाया था? यस सर, बनाया। अच्छा, फोटो से हुआ क्या था कोई जानता है? सर मैग्नेट रखा था ना जिससे ये घूम रहा है। सर इसमें मैग्नेटिक फ्रिंज होता है। हां सर, याद आ गया, नॉर्थ और साउथ पोल में मैग्नेट, सर मैकेनिकल कोई इलेक्ट्रिकल, सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही थी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। सही, इसमें सर पावर लग रहा था। चलो वेरी गुड। क्या हमने इसके लिए ओमेगा कैलकुलेट किया था बेटा, अगर आपको याद हो तो? यस, यहां पे था नॉर्थ, यहां पे था साउथ। नाउ नाउ नाउ, अब हाँ, वेरी गुड वेरी गुड राहुल बेटा, आपने तो मेन पॉइंट लिख दिया। ठीक है चलो, अब मैं चाहता हूँ हम वही काम फिर करेंगे, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ यार एसी करंट दिखता कैसे है मैथमेटिकली, ये होता क्या है? इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करता है। अगर आप इसी चीज को देखो बेटा, क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज होगा हर पॉइंट पे? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसका वेक्टर, यहाँ पे, यहाँ पे इसका वेक्टर, यहाँ पे, तो ये इसलिए डायरेक्शन चेंज करता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो आप सिंपली बोलोगे सर बी डॉट ए, और आई विल एग्री विद दैट, बहुत आसान सी चीज है, इज इक्वल टू एन टाइम्स बी ए कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू मैंने कैसे निकाली थी? एंगुलर था तो ओमेगा टी। ठीक है सर, ये कहां से आया बेटा? ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? गलत लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, आप बताओ मुझे। सही है सर। ठीक है, अच्छा ईएमएफ के लिए हमको और भी एक बात पता है कि डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है, यस और यस? यस सर। हाँ सर, ये तो होता ही है डी फाई बाई डी टी के लिए, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ई इज इगल टू माइनस डी बाई डी टी एन बी बी ए कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी बेटा, थीटा नहीं, थीटा नहीं। ठीक है, अब मैं आपको बोलूँ तो क्या क्या कॉन्स्टेंट है इसमें, आप बता दो। एन बी ए, अच्छा माइनस डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, कैसे सॉल्व करते हैं यार इसको? यू डॉट वी ये सब लग सकता है। चलो देखो बेटा, ये सॉल्व कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो ऐसा कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा तीसमार खान कॉन्सेप्ट नहीं है ये। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा d बाई डी टी ऑफ cos माइनस, क्या होगा? माइनस साइन ओमेगा t, तो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे? और ओमेगा, और ओमेगा d बाई डी टी ऑफ ओमेगा, तो दिस कम्स अराउंड n b a b साइन ओमेगा टी ओमेगा ओमेगा। ठीक है, ये फ्लक्स की वैल्यू आई कि सर ये फ्लक्स होगा
और वी गॉट द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, ठीक है बहुत अच्छी बात है, किसने रेज हैंड किया, नहीं कोई नहीं, चलो हाँ अमित बेटा बोलो सर। जी जी बेटा बताओ। माइनस तो रहेगा ना, माइनस साइन पे भी रहता है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? सर माइनस साइन। तो बेटा ये देखो, ये माइनस माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा, बाहर भी एक माइनस। मैंने पढ़ा था लेकिन ना साइन जो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा उसके बाद भी ना माइनस का साइन रहता है, आई डोंट नो व्हाई ऐसा था लेकिन लिखा हुआ था। किस बुक में सर? ये तो वैल्यू ई की है ना अपने फाई की। हां सॉरी सॉरी, ई की वैल्यू है यार, ई की की की। हां हां बेटा ई की, ठीक है। नहीं 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 बेटा देखो, ये होता है ग्राफ साइन का, ठीक है। अगर मैं इसका स्लोप निकालूं, इसका स्लोप निकालूं, तो इसका स्लोप बेसिकली मेरे को ये बताता है कि कॉस कॉस की वैल्यू आ रही है, यही होता है, ठीक है। कभी और बताऊंगा, जब आप लोगों का रिवीजन क्लास होगा तब मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा। अरे दीपक बेटा चलो ज्वाइन हो गए शायद, आई थिंक हो गए। चलो देखो बेटा अब सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि इक्वेशन लिख दो एक्स या x into a cos theta, और मैं बोलूं कि आपको y की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? सर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री, a cos का कितना वैल्यू रखोगे बेटा आप इस ब्रैकेट में? cos का 0, यानी कि जब जब cos का एंगल 0 होगा आप क्या बोलोगे, ये वैल्यू क्या है बेटा? मैक्सिमम। सर ये क्या बता रहे हो आप, रुको बेटा रुको, जानबूझ के बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर मैं आपको एक और इक्वेशन दे दूं, सिमिलरली अगर मैं आपको बेटा एक और इक्वेशन दे दूं जो आपके मन में अभी चल जाएगा डाउट थोड़े टाइम में, x into a sin theta, अब मैं आपसे पूछूं y की मैक्सिमम वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे होगा एंड इट इज वेरी मच ट्रू, ठीक है। चलो ठीक है, ये दो ऑब्जर्वेशन है। अब इसी तरह अगर मैं पूछूं आपसे e की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है e इज इक्वल टू n b a sin ओमेगा t इनटू ओमेगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ओमेगा इनटू t की वैल्यू 90 होगी, n b a ओमेगा 90 होगी सर, तभी होगा बेटा जब ओमेगा इनटू t किसके इक्वल होगा? 1 के या 90 डिग्री है जो भी आप, अगर 90 डिग्री भी सोच रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 90 डिग्री की इक्वल होगा। तो अब यहां से e max की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, मैक्सिमम EMF ओमेगा n सर b a ओमेगा n a ओमेगा n b a ओमेगा इसके इक्वल बन जाएगी मैक्सिमम EM, यस और नो सोच लो। यस सर। यस सर पक्का? हां सर। किसी को डाउट है तो एक बार सर, ओमेगा की वैल्यू 1/T नहीं लिखेंगे फिर उस हिसाब से, मतलब 1/T अभी आऊंगा बेटा, अभी उस पॉइंट पे मैं आऊंगा, अभी अभी नहीं आ रहा। ये मैक्सिमम ईएमएफ आपको समझ में आया बेटा कैसे आया? यस सर। ठीक है, और एक बच्ची बोल रही है सर एक काम करिए ओमेगा की जगह ऐसे लिख दीजिए ई मैक्स इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन टी, यही बोल रहे हो बेटा? यस सर, ऊपर अगर 90 रखेंगे तो 90/T बेसिकली ऐसे ही थीटा भी आ जाएगा। चलो ठीक है, अभी हम इसको नहीं लेंगे, आप सोच अच्छा रहे हो मैथ्स के हिसाब से, बट देयर इज अ मिस्टेक इन दिस, मैं बाद में बताऊंगा, कुछ डायमेंशनल करेक्टनेस नहीं आएगी। आई थिंक हर इक्वेशन को होमोजीनियसली और डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए फिजिक्स में, आपने इस चीज को पढ़ा। अब मैं एक काम करता हूँ, अब मैं इसको ऐसा लिखना चाहता हूँ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये क्या लिखा सर आपने? सर ये क्यों लिखा? मेगा की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं इसी e की वैल्यू को ऐसे लिखूं n b a ओमेगा इनटू साइन ओमेगा d, क्या ये मैक्सिमम वैल्यू जैसा दिख रहा है बेटा? सर मैक्सिमम वैल्यू को e नॉट बोल देते हैं ना, इसी मैक्सिमम वैल्यू को हम e नॉट भी बोल देते हैं, तो इसीलिए इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन बन जाता है e नॉट साइन ओमेगा टी। किसी को ये बात समझने में दिक्कत तो बताओ बेटा, मैं फिर से समझा देता हूँ, आई डोंट थिंक दिक्कत आई होगी। अगर बेटा नहीं समझ में आ रहा है कैसे आया, तो मैंने कुछ नहीं किया बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन थी, मैंने सबसे पहले एक मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाइंड किया इसको, और मैक्सिमम वैल्यू हमने ऊपर सीखा कि कॉस साइन ये सब का 90 डिग्री एक का होता है और एक का होता है 0 डिग्री,
तो बाय यूजिंग दैट मैं ये इक्वेशन तक पहुंच पाया। डाउट है बेटा इस इक्वेशन तक पहुंचने में? नो सर। ठीक है सर, मतलब हम ये क्या कर रहे हैं सर? बेटा हम एक पर्टिकुलर इस पे पहुंच रहे हैं कि यार एसी करंट क्या होता है, इतना तो समझ आ गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होता है, बट ये एसी करंट को मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं हम ये सीख रहे हैं बस। तो इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या V इज इक्वल टू आई आर सब जानते हैं सर? तो इंड्यूस ईएमएफ को मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत आएगी बेटा किसी को? किसी को प्रॉब्लम? नो सर। और इसी को हम ऐसे भी बोलते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। एक मिनट सर, एक मिनट, ये जादू कैसे किया सर आपने, कैसे किया सर, बताइए बताइए। मैक्सिमम करंट सर। ठीक है सुनो मैंने कैसे किया, बहुत अच्छे से बताता हूँ बेटा। V इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू V by R होता है सर। ठीक है यहाँ तक तो आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत होगा। अब मैं बोलता हूँ बेटा अगर मैं ऐसे लिख लू इंड्यूस ईएमएफ का सोर्स ही मैक्सिमम है अपॉन आर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली? मैक्सिमम। तो मैंने इसी चीज को बेटा यूज किया बस, सिंपली आई यूज दिस थिंग ओनली। किसी को इसमें डाउट है? नो सर। चलो यार ये कलर का क्या नाम बताया यार बेटा, कोई फिर से बताएगा क्या? सियान। हाँ सियान, रंग से रंग दिया मैंने इसको। नाउ दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको कोई जानता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, इसी को बोलते हैं। बहुत मैथ्स लगता है, थोड़ा सा है बेटा, थोड़ा सा है। ठीक है मैं बहुत ज्यादा डिटेल। ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस, यही होता है। ओके सर, बट सियान बोलते हैं। सियान नहीं बेटा, कलर का नाम लिखा सियान। ठीक है मिटा दिया। ठीक है चलो कलर का नाम। हाँ बोलो बेटा। वो आपने ई नॉट की वैल्यू तो उसकी जगह पुट कर दी तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो गई सर। वो जो अपॉन में आर पुट किया है वो किस चीज की वो है सर? वो रेजिस्टेंस होगा बेटा। जब भी आप लोगों को ये जानना है कि साइन का कर्व क्यों ऐसा होता है तो बताओ, ये भी मैं बता देता हूँ सर। हमें बताया था आपने आंटी वाला एग्जांपल ले। आंटी वाले एग्जांपल से बताया था, नहीं तो अभी किसी को और जानना है कि सर क्यों हम इसमें साइन ही कॉस लाते हैं तो वो भी मैं बता सकता हूँ। बहुत बड़ी चीज नहीं है, जानना है आप लोगों को तो बताओ, मैं बता देता हूँ। यस सर बताओ। यस सर। सबको जानना है क्या? यस सर। आर भी बता दीजिए। आर भी बता दूंगा, जरूर बता दूंगा बेटा जरूर। इसको इतना मैथ से मत सोचो पहली बात ना, ये एक मिथ है कि बहुत मैथ चाहिए फिजिक्स में। दिस इज द फर्स्ट मिथ, इस मिथ को हटा दो। मैथ चाहिए मैं मानता हूँ बट ऑन नीड बेसिस, जरूरी नहीं है हमेशा मैथ्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखो बेटा अगर मैं बहुत ध्यान से बताऊं, आप लोगों को पता है कि हमारे पास एक ऐसा रेक्टेंगुलर कॉइल है बेटा जो रोटेट कर रहा है, ये बात तो सभी जानते हो आप? यस। अब ये रोटेट करेगा तो डेफिनेटली एक सर्कल का शेप लेगा। ठीक है आप इस चीज को इमेजिन करो, बहुत तेज रोटेट कर रहा है तो सर्कल का शेप लेगा बेटा। सर्कल का शेप ऑब्वियसली सर ये लेगा, तो क्या घूमेगा बेटा ये ऐसे घूमते घूमते एक ऐसा सिमेट्री बना लेगा अपने चारों तरफ, सोच के देखो। yes. सर ऑब्वियसली बनाएगा सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस सिमेट्री को थोड़ा पढ़ूंगा, मैं क्या करता हूँ चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ इसको कि भाई ये चारों के आसपास ही घूमेगा, इस चारों को छोड़ के कहीं और नहीं घूम सकता ये। ठीक है सर चारों के आसपास घूमेगा कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे सर क्या आप बताना चाह रहे हो? मैं बताता हूँ बेटा इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये चारों के आसपास ही घूम रहा है। मान लो बेटा मैंने सबसे पहले यहां पे देखा कि ये पंखा यहां पे पहुंचा, ठीक है दूसरे कलर से बना देता हूं, यहां पे पहुंचा। थोड़े टाइम बाद ये फैन ऐसे घूम के यहां भी आएगा बेटा, थोड़े टाइम बाद यहां भी आएगा, थोड़े टाइम बाद यहां, थोड़े टाइम बाद यहां। सर इसकी प्रोजेक्शन बनाएंगे फिर? हाँ अब मैं बनाऊंगा इसकी प्रोजेक्शन। सबसे पहले प्रोजेक्शन यहां आएगा, लेकिन अगर मैं बताऊं तो इवेंट तो बेटा यहां से भी मेरा शुरू हो रहा है ओरिजिन से। ठीक है ओरिजिन से, तो इसका एक प्रोजेक्शन यहां मिलेगा, दूसरा प्रोजेक्शन मेरे को कहां मिलेगा? इस पॉइंट पे मिलेगा बेटा। ठीक है तीसरा प्रोजेक्शन मेरे को कहां मिलेगा? इस पॉइंट पे मिलेगा। ऐसे करके बेटा ऐसे करके मेरे को बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे अगर मैं इस पंखे का रोटेशन चेक करूं तो। ड्यू टू, अच्छा पंखा रोटेट क्यों कर रहा है बेटा, किसकी वजह से?
टॉर्क या फिर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सर मैग्नेटिक टॉर्क भी, सर टॉर्क भी तो लगता है, टॉर्क प्रोड्यूस होगा बेटा एज अ रिजल्ट, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको मैंने पहली बार देखा तो यहाँ पे मिला मेरे को, थोड़े देर बाद थोड़ा सा दूर, थोड़ी देर बाद और थोड़ा दूर, और थोड़ा दूर यहाँ पे, एंड अगेन। अब इसका जो इमेज बनेगा बेटा यहाँ से, अब इसका जो इमेज बनेगा यहाँ से, क्या वो कुछ ज्यादा ही दूर ऐसे नहीं मिल रहा होगा हमको, क्या वो कुछ ज्यादा दूर ऐसे नहीं मिल रहा होगा, सोच के देखो। सो मैं सारे डॉट को, हाँ बेटा ऐसे क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए बेटा देखो, ऐसा इसलिए द रीजन इज, जब हमने देखा पहली बार तो यहाँ पे था ओरिजिन पे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद अगर बेटा इसको देखते हैं तो ये थोड़ा सा दूर मिल रहा है हमको ओरिजिन से, और ऑब्वियसली बेटा ये डिस्टेंस ज्यादा चला है ना, ये देखो ये वाला डिस्टेंस जो है ज्यादा चला है, ये वाला, ये कहाँ कंपनसेट होगा, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे ऐसे कंपनसेट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम यहाँ बना देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा और डिस्टेंस ये वाला बचता है, इसको हम यहाँ बना देते हैं ऐसे, यहां से यहां तक, ठीक है। और ऐसे जब मैं आप लोगों को बताया भी गया होगा इस ग्राफ के बारे में, दैट हाउ दिस ग्राफ हैज बीन फॉर्म्ड, ठीक। सो मैं बहुत ज्यादा डीप में तो नहीं जाऊंगा, बट ठीक है, मैं आपको बेसिक बता दूंगा कि क्यों साइन आता है। तो अगर मैं इसके सारे पॉइंट को ट्रेस करूं बेटा, ठीक है, अब ये नीचे वाला जो आएगा ये कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, ऐसा कुछ बन रहा होगा, सोचो। यस ठीक है, तो ऐसा कुछ बन रहा होगा, तो इसका प्रोजेक्शन ऐसा कुछ आ रहा होगा बेटा। अब घर पे इसको आराम से बैठ के बना के देखना, यू विल गेट द प्रोजेक्शन लाइक दिस, दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। आई और टी सेम, आई और टी। तो अब अगर मैं आपको बताऊं बिना मैथ्स यूज किए, तो क्या इसका कर्व कुछ ऐसे ट्रेस हो रहा है बेटा? कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज अ साइनोसोडियल वेव, साइनोसोडल। और थोड़े टाइम बाद आप ये भी पढ़ोगे बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री आपने अभी फाइंड की? यस यस सर। दिस वैल्यू इज आई नॉट साइन ओमेगा टी, यही वैल्यू आई नॉट की होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम पीक वैल्यू। आप लोगों को समझ आया क्यों यहाँ पे साइन ओमेगा टी आया? इसके रोटेशन की वजह से आया, और ये रोटेट करेगा तो ये कुछ ऐसा ग्राफ फॉर्म करेगा, एंड दिस ग्राफ इज नथिंग बट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है ये। अभी भी डाउट है किसी को? और आर, एक बच्ची ने पूछा सर आर क्यों आ रहा है, एंड व्हाई दिस रेजिस्टेंस इज कमिंग। तो बेटा बहुत इजी सी बात है कि जब भी यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स लॉस होगा। सर लॉस क्यों होगा? ड्यू टू रेजिस्टेंस इट विल गेट लॉस, ठीक है, और वो जितना ज्यादा होगा करंट उतना कम प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो मैंने करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनली लिखा है इसको, जिसको डाउट था क्लियर हो गया। स्टिल किसी को जानना है इसमें और कोई टर्म क्यों आया तो बताओ, मैं वो बता दूंगा। और क्यों हमने ओमेगा टी को वन ही लिया? क्योंकि हम इस वैल्यू पे जब फैन घूम के आएगा, और आप इस चीज को इमेजिन भी कर सकते हो बेटा, अगर मान लो फैन घूम रहा है, जैसे ये स्ट्रेट पे आएगा ये मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, इमेजिन कर पा रहे हो उस चीज को? चलो आई थिंक क्लियर है यार, थोड़ा थोड़ा सोचोगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। चलें आगे। यस सर। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा, अब आई विल गिव यू वन टास्क, ठीक है, एंड द टास्क इज वेरी सिंपल, कैलकुलेटिंग एरिया। अब मैं जानना चाहता हूँ बेटा एरिया कैलकुलेशन, एरिया कैलकुलेशन, ठीक है, एरिया को कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहला ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ दैट आई एम गोइंग टू गिव यू इज अ वेरी सिंपल ग्राफ। अब आपको बताना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है ए, ये है बी, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट से ए और बी, मैं बोल रहा हूं आई इज द फंक्शन ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, इस या तो फिर इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज करता हूं कि इन दोनों का जो एरिया आएगा ना बेटा, ये एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ रिप्रेजेंट सी, रिप्रेजेंट सी, ठीक है, और इसको पॉइंट दे देता हूं अल्फा
ठीक है, इसको पॉइंट दे देता हूँ बीटा एंड दिस इज योर गामा. नाउ फाइंड द वैल्यू, इसका एरिया बताओ बेटा आप कितना आ रहा है, ए वन कितना आ रहा है और ए टू कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो कैसे करेंगे. बड़ी मुश्किल है, कैसे करेंगे बेटा. ट्रायंगल की वैल्यू होगी वही होगी ना जो ई की वैल्यू होगी. चलो थोड़ा और इजी करता हूँ आप लोगों के लिए कि यार थोड़ा और इजी कर देता हूँ सो देट आपको कोई भी दिक्कत ना आए. सपोज इसकी लेंथ बेटा यहां तक है और ये जो डायमेंशन है दिस इज ए नॉट, सॉरी दिस इज ए नॉट एंड दिस इज माइनस ए नॉट. चलो अब बता दो बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया कैसे निकालोगे इस ग्राफ का. ट्रेपेजियम से. ट्रेपेजियम, चलो मैं सिखाता हूँ बेटा कैसे निकाला जाता है. सो ट्रायंगल वन को हम लोग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं इसको, जल्दी बताओ कुछ नाम बताओ. एबीसी. क्लच गॉड जोनाथन, नहीं एबीसी, ए यमराज, बी सी. ठीक है सुनो बेटा, अब ए बी सी ठीक है, इसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, कोई टर्म सी को रिप्रेजेंट करेगा. तो सी कैसे निकालेंगे बेटा फॉर ट्रायंगल ए बी सी. क्या फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, हाफ इनटू बी टू एच, हाफ बेस इनटू हाइट. अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ए नॉट, ए नॉट, ए नॉट. और बेस के बारे में बात करूं तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, अगर पूरा डिस्टेंस अल्फा है तो अल्फा माइनस गामा. बेटा ओरिजिन पे कुछ भी हमें क्या फर्क पड़ता है, गामा से शुरू होके कहां तक जा रहा है ये अल्फा. एक काम करता हूँ गामा हटा ही देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूजन होगा. चलो अब बताओ बेटा कितना आ जाएगा बेस अल्फा होगा. तो सी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा यहाँ से, ए नॉट इंटू अल्फा, ये हुई सी की वैल्यू. सिमिलर सिमिलर भी तो आएगा, हाँ टू भी आएगा बेटा, आधा ही आ रहा है. ठीक है सिमिलरली आप मुझे अब कैलकुलेट करके बताओ ये ए टू का एरिया कितना आएगा. सी वन की वैल्यू तो मैंने फाइंड करके बता दी, नाउ यू पीपल विल टेल मी द वैल्यू ऑफ सी टू, हाउ मच इट इज कमिंग. सर ग्राफ दिखाइए. सर जो हम ए टू में बेस लेंगे वो ओरिजिन से लेंगे या फिर अल्फा से लेंगे. बेटा यही तो पकड़ना है, यही वाला मैं बता दूंगा तो फिर आप लोग सर इसमें बेस की जगह बीटा माइनस अल्फा ले लेंगे. बीटा माइनस अल्फा लोगे कि ओरिजिन से जीरो प्लस अल्फा प्लस बीटा लोगे, क्या लोगे आप सोचो. सर अल्फा प्लस बीटा लेंगे ना, प्लस बीटा लेंगे सर, बीटा माइनस अल्फा लेंगे ना, बीटा माइनस. अच्छा रुक जाओ, माइनस अल्फा ही होगा. रुक जाओ रुक जाओ, आपको माइनस, आपको आपको मैं और फ्री कर देता हूँ, माइनस प्लस के चक्कर में पढ़ो ही मत. रुक जाओ और फ्री कर देता हूँ, ये डिस्टेंस है अल्फा और इनके बीच का डिस्टेंस है, सॉरी बीटा नहीं लेता हूँ, इनके बीच का डिस्टेंस है थीटा. अब ठीक है, अब तो कैलकुलेट कर लो यार. चलो अब बताओ कितना आ रहा है, ए नॉट थीटा बाय, ए नॉट थीटा बाय 2, थीटा बाय 2, ए नॉट थीटा बाय 2. सब में गलत आ रहा है बेटा, माइनस भी होगा, माइनस आएगा यार, माइनस ए नॉट थीटा बाय 2. ठीक है क्या वैल्यू आएगी, माइनस ए नॉट बाय 2 यही आएगी इनटू थीटा, यही आ रही है. एक मिनट सर, हमको तो ये पता है सर एरिया इज ए स्केलर, एरिया इज ए स्केलर, तो आपने माइनस क्यों डलवाया बेटा. सॉरी सर आपने माइनस, एरिया तो वेक्टर है ना, एरिया वेक्टर है. कितने लोगों को लगता है एरिया स्केलर है, यस लिखिए, फाइव लिखिए. और कितने लोगों को लगता है एरिया वेक्टर है, बेटा एरिया स्केलर भी है वेक्टर भी है, वी ट्रीट इट एज वी नीड इट. ठीक है तो सर मतलब ये टेंसर है, टेंसर भी तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा तो आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था बेटा. हाँ सर,
और एक और लॉ गॉस लॉ पढ़ा होगा आपने। यहाँ पे आप क्या लेते थे, एरिया वेक्टर लेते थे, याद है? यस सर। चलो ठीक है सर, उतना तो नहीं समझ में आया लेकिन लगा कि कुछ कुछ है, हम कर लेंगे अगर एरिया कैलकुलेट करने को आएगा तो। एक और ग्राफ का करें बेटा, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस लगाया क्या? एरिया नीचे का आ रहा है इसलिए माइनस लगाया बेटा मैंने। हाँ ये भी बोल सकते हो ग्राफ नीचे का मिला है, ठीक है। एक और करते हैं तब थोड़ा और आपको समझ में आएगा। तो सर हम यहाँ पे एरिया को कैसे ट्रीट करेंगे, स्केलर या वेक्टर? एज अ वेक्टर बेटा, एज अ वेक्टर, यहाँ पे आपको वेक्टर ही ट्रीट करना है, इसलिए मैंने ये पॉइंट उठाया और मेरे को पता था स्केलर और वेक्टर वाला आगे दिक्कत आएगा, इसलिए मैंने अभी इसको क्लियर कर दिया आप लोगों को कि याद रखना जब भी क्वेश्चन करोगे तो एज अ स्केलर ही इसको ट्रीट करना, ए वेक्टर एज अ वेक्टर ट्रीट करना इसको, मैं जब क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट सवाल, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं ये डिस्टेंस है बी, ठीक है, और ये डिस्टेंस है माइनस बी, ये डिस्टेंस है ए, और वो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा ऑटोमेटिक, ये वाली माइनस है। आज मूड नहीं है माइनस का, अरे यार सुनो, ये माइनस एच लिखा है, बी लिखा है बेटा, एच नहीं लिया मैंने कहीं। सर क्या लिखा हमने, बी? हाँ बी, ये वाला डिस्टेंस है ए, बता देता हूँ, रुक जाओ बता देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस है ए बेटा, ये वाला डिस्टेंस है एल, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस है एल। नाउ दिस इज योर ए वन एरिया, दिस इज योर ए टू एरिया, एंड लेट मी कॉल दिस एज आई टी, करंट और टाइम का ग्राफ है। ये है क्या सर? कुछ नहीं है बेटा, कुछ सर्टेन रीडिंग्स मिली मुझे जिसके बिहाफ पे मैंने ये बना दिया, ग्राफ बना दिया। नाउ मुझे A1 और A2 कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, और टोटल एरिया मुझे अब ये नहीं जानना है A1 और A2 क्या है, आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया विच इज A1 प्लस A2। सर AB माइनस BL, AB माइनस BL, सर AB माइनस BL, AB माइनस BL। चलो टोटल एरिया आप बता रहे हो कैसे कैलकुलेट किया, जिनको नहीं समझ में आया बेटा ध्यान से देखें। A1 का एरिया अगर हम देखें तो क्या रेक्टेंगल है? हाँ जी सर ये रेक्टेंगल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। AB कुछ माइनस में नहीं सर, A2 का एरिया कितना होगा, माइनस BL, ठीक है। टोटल एरिया कितना हो जाएगा बेटा अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं तो, A1 प्लस B प्लस माइनस बी इंटू एल, सो दिस कम्स अराउंड ए इंटू बी माइनस बी इंटू एल, यही होगा टोटल एरिया। यस यस, हाँ सर यही होगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है सर ये होगा। अब सर ये भी तो बताओ ना सर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि हम क्यों निकाल रहे हैं? अब बताता हूँ क्यों मैंने इसको कैलकुलेट करा है। इसी को बेटा अगर अब मैं चेंज करूँ, इसी को अब मैं अगर चेंज करूँ, देखना बहुत ध्यान से देखना क्यों मैंने कराया, स्क्वायर वेव फॉर्म में आई एम गोइंग टू चेंज इट, ठीक है। यहां से यहां तक एक एरिया बेटा, अगेन यहां से लेके यहां तक एक एरिया, क्या रेक्टेंगल जैसे सबको दिख रहा है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा कि अलग अलग डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, बार बार डिफरेंट कलर से बनाऊंगा तो टाइम लगेगा बेटा, ठीक, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। अब सुनो बेटा, अब सुनो, दिस इज अ स्क्वायर वेव फॉर्म, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यार कुछ भी करके मेरे को ये बता दो, ये आई और टी है, ठीक है, ये डिस्टेंस को मैं मानता हूं ए, ये डिस्टेंस को मैं मानता हूं बी, एंड दिस डिस्टेंस इज अगेन ए, This distance is also नीचे वाला माइनस ये नहीं होगा, नहीं बेटा ये वाला माइनस होगा ना, वाई एक्सिस माइनस में, बाकी हम मेजरमेंट तो इसी के बिहाफ पे कर रहे हैं ना, ठीक है। बहुतों में डाउट होता है बेटा, मेजरमेंट तो हम इसके बिहाफ पे कर रहे हैं, दिख रहा है आपको, ये देखो वो बी नहीं होगा, बी बेटा वाई एक्सिस के साथ वाले होगे ना बी तो, ये रुक जाओ मैं बताता हूँ, एक बार मेरे को लिख लेने दो, ये है b माइनस b,
अगेन ये भी है माइनस बी, 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 ये भी है माइनस बी। सर ए कौन सा होगा? ये है ए, ये है ए, ये है ए, ये है सर। मतलब इसका ब्रेथ ए और लेंथ माइनस बी है। बस ये बात याद रहेगी सबको। अब इसका एरिया कैलकुलेट कर लोगे? यस सर। अच्छा कोई नहीं, मेरे को बस जो मैं बोलूं उसी का एरिया कैलकुलेट करके बताना। वन और टू थ्री और फोर, चारों का एरिया बताओ बेटा क्या आ रहा है अलग अलग। सर टोटल, टोटल ही बताओ, टोटल ही अलग अलग, टोटल बता दो। जीरो आएगा, जीरो आ रहा है यार। यस जीरो आ रहा है। यस यार टोटल एरिया सर इसका ना सर जीरो आ गया सर। सर सर ये तो सर क्या बताया सर आपने, तो समझ ही नहीं आया टोटल एरिया जीरो आ गया। टोटल एरिया जीरो आना एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे नहीं बता सकता टोटल एरिया जीरो क्यों आया, ठीक है। फॉर दैट आई नीड अ नॉलेज कि बेटा ये स्क्वायर वेवफॉर्म बनता कैसे, ये समझो सर। स्क्वायर ही क्यों समझना है सर, और कोई समझ लेते हैं? नहीं बेटा, इसी से क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस कभी कभी हो जाते हैं। देखो अगर मान लो यहां से कोई चलना शुरू करता है, सपोज अ मैन स्टार्ट टू मूव फ्रॉम हियर, ठीक है। सारा जग घूम के, जग घूमया इस पॉइंट जैसा ना कोई, वापस यहीं आ जाता है, स्टार्टेड फ्रॉम ए एंड एट बी, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को दोहराते जाता है, दोहराते जाता है, दोहराते जाता है। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं चलने का, ठीक है, तो इसका चलने को अगर मैं मैथ्स में ऑब्जर्व करूं, चलने का इक्वेशन क्या बनता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस भावुक नहीं होना चाह रहा हूं मैथ्स को लेके। तो इसका चलने का इक्वेशन ऐसे ही आएगा। नाउ इसका चलना कैसा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर। जब भी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो हम उसको कैसा फंक्शन बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी एरिया जीरो आएगा दैट मींस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, या फिर एक और नाम इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक प्रोसेस। याद रहेगा बेटा ये आपको? यस सर। किसी को डाउट इसमें? सर आई अपॉन टी का एरिया चार्ज कैलकुलेट करता है। कितना चार्ज उस एरिया में अकोमोडेट होगा बेटा, ये कैलकुलेट करता है। Q is equal to I into T, ठीक है। यहां तक बेटा किसी को डाउट है तो बताओ, साइक्लिक या पीरियोडिक तक? क्यों ये साइक्लिक हुआ? नहीं डाउट है, एच स्क्वायर में ही चला है बेटा। एच स्क्वायर अब मैथ्स में हम नहीं चल रहे हैं। मैं इसके चलने के इक्वेशन को सर्कल में ऑब्जर्व कर रहा था, इसके लिए मैंने ऐसा इक्वेशन लिखा बेटा। और आप देखोगे तो ये चल भी सर्कल में ही रहा था, क्योंकि जहां से चला वहीं पहुंच गया। सर वो चलने इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्यों लिखा? चलने नहीं नहीं मैंने कंपेयर किया बेटा, मैंने इसकी वैल्यू को कंपेयर किया। मैंने वाई स्क्वायर को छोड़ दिया, मैंने बोला एक्स स्क्वायर के लिए कंपेयर कर लेता हूँ। हालांकि वाई के लिए भी करता तो बेटा सेम ही आता, दोनों ही पीरियोडिक फंक्शन ही आते। सर तो ऊपर जो स्क्वायर वेव वाला ग्राफ है उसमें अगर हम एंगल से देखें तो वो मतलब ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट हुआ है, पर जब खत्म हुआ है वो तो ओरिजिन पे खत्म हुआ है, जीरो पे। तो फिर सेम तो नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं शुरू बेटा ये ओरिजिन पे ही हो गया, जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसा बनाया, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए ऐसे बना दिया, चलो ठीक है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, तो दिस ग्राफ एक्चुअली फॉर्म, जब भी कोई चीज सर्कल में रोटेट करती है ना, जाके देखना वीडियो देखना कि कैसे स्क्वायर वेव फॉर्म बनता है। कोई भी चीज सर्कल में रोटेट करती है तो बनता है स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है क्या? सेकंड पार्ट पे चले, विच इज मच मोर इंटरेस्टिंग, चले। चलो आई थिंक तुम लोग अभी सो रहे होगे? नहीं सर। सर नहीं पक्का? यस सर। चलो टर्म्स रिलेटेड टू एसी अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहला टर्म इसमें आता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस क्या होता है कोई जानता है? पर्टिकुलर टाइम के लिए जो चीज होती है जिसकी स्लोप जीरो लेते हैं ना,
सर डीजी टाइम के लिए कोई चीज होगा, एक इंस्टेंट पे कितना बैलेंस? चलो एट अ मोमेंट एट अ इंस्टेंट, चलो आप जानते हो मैं बोलूंगा बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एट टाइम पी एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर मोमेंट और इंस्टेंट ऑफ टाइम We call this as instantaneous value. मतलब एक छोटे से टाइम में कितना करंट पास हुआ. या मैं आपको एक और एग्जाम्पल दू तो आई थिंक आप लोग सबने एनसीईआरटी पढ़ी होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो याद है एक छोटे से टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन पास होता था, हम ये भी चेक करते थे. यू पीपल रिमेम्बर दैट? कुछ भी हल्का फल्का ट्वेंग ट्वेंग नहीं, खत्म है काम. ठीक है देखो बेटा इसके लिए क्या इक्वेशन बनता है, नहीं याद है तो अभी याद दिला दूंगा बेटा, कोई ऐसा टेंशन मत लो. इससे हमने आई के लिए एक इक्वेशन बनाया था, आई नॉट साइन ओमेगा टी. यस सर. दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? यस. हाँ सर, हम सबको दिख रहा है बेटा. अगर मैं इस ग्राफ से आई नॉट की वैल्यू पूछू तो आई नॉट क्या बहुत ज्यादा टाइम के लिए था कि बहुत छोटे टाइम के लिए था, एक पॉइंट पे था कि पूरे पॉइंट को एक छोटा टाइम बोल सकता हूँ डीटी टाइम पे दिखा. yes, sir. Yes, sir. तो सर आप वैसा बोलोगे तो सर यहाँ पे भी करंट तो छोटे टाइम में ही दिख रहा है. हाँ बेटा एसी करंट की एक खासियत होती है, जब भी आपको करंट लगता है आपके पास टाइम होता है आप हाथ हटा लेते हो. yes, sir. तो जब एसी करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो नहीं करता लाइक डीसी करंट, वो थोड़ा होता है रुकता है, थोड़ा होता है रुकता है. ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअस करंट फ्लो हो रहा है. आपके घर में एलपीजी गैस है जिस पर रोटी वोटी बनता है? yes, sir. आपको yes, क्या sir. लगता है वो कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है? वो डिसकंटिन्यूअस है, वो जलता बुझता जलता, पर वो इतना फास्ट होता है कि आपका आइस उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है. इन द सेम वे द करेंट इन योर होम, द एसी करेंट दैट इज फ्लोइंग इन योर होम इज नॉट अ कंटिन्यूअस करेंट. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. यानी कि अगर एसी करेंट आपको मान दो लग रहा है और डीसी करेंट लग रहा है, मान लो एक तार पकड़ लिया मैंने, सच में ना लगे कोई तार भी नहीं है, चलो तो सब एसी करंट से बच जाएंगे. एसी में आपको टाइम मिलेगा थोड़ा सा कि हाँ भैया कुछ उम्मीद है, डीसी में टाइम मिलेगा? अमित बोलो. हाँ अमित सर बोलो. अमित सर मैं कह रहा था कि मैंने कहीं पढ़ा था किसी इलेक्ट्रिशियन से सुना था कि अगर अल्टरनेटिंग करंट है ना तो उसमें डेथ नहीं होती, लेकिन अगर डायरेक्ट करंट हो और छोटा सा भी वोल्टेज हो तो उससे डेथ हो जाएगी. हाँ क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में एक टाइम आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपका करंट का वैल्यू जीरो को अप्रोच कर जाएगा. ये देख पा रहे हो बेटा आप इस चीज को? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जीरो नहीं हो जाएगा, सोच के देखो, यहाँ पे हाथ हटा लेना. और यही होता भी है, आप इस जीरो पे हाथ हटा लेते हो अगर करंट लगता है तो. अगर आपको लगा होगा ना तो आप देखना आप इस पॉइंट पे हाथ हटा चुके होंगे वहां से. हाँ वो टाइम ही बेटा इतना छोटा होता है, दैट छोटू टाइम, ये छोटू टाइम जिस पे आपको करंट लगता है और आप हाथ हटाते हो, इसको ही हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू. सर फिर तो जितनी भी डेथ होती है इलेक्ट्रोक्यूशन से वो तो इसी से होती होगी, डायरेक्ट करंट से? डीसी से ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा. एसी से मरते हुए होता है जब बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर दोगे, बहुत ज्यादा करंट ही आपने फ्लो कर दिया तो माइट बी देयर इज अ लिटिल बिट चांस कि डेथ की प्रोबेबिलिटी है बेटा. ठीक है बट आप आपके यहाँ पे होगा नहीं. जैसे अलग अलग कंट्रीज क्या करती हैं कि एक एवरेज वैल्यू डिफाइन करती है. जैसे यहाँ के चार्जर आप देखना, जैसे इंडिया में चार्जर आप देखो तो ये आते हैं 230 के. ठीक है यूएसए में जाओगे तो 150 है. सेफ्टी पर्पस के लिए अलग अलग जगह अलग अलग रखा जाता है. सर इसको कितना भी रख सकते हैं दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप जितना चाहो उतना रखो, पैसा आपका ही है अंत में. ठीक है सर एक कमाल का बिजनेस आइडिया आया मेरे ये पर. सर ये एसी करंट जो ये होता है ज्यादा करंट दे दोगे तो यूएन को जवाब भी देना पड़ेगा कि भैया तुम्हारा देश में ज्यादा करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये भी याद रखना. ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो फिर करंट ही बेच-बेच के हम मानी बन गए होते सर. सर यूएन क्या? हाँ बेटा यूनाइटेड नेशन यूएन क्या बेटा, क्या बोला आपने? चलो
यूएन पूछ रही थी, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन है बेटा, यूनाइटेड नेशन को जवाब देना पड़ता है। आप कोई भी डिसीजन लेते हो कि आपके देश में क्या, जैसे अभी सुना आपने कि सी पोर्ट कंपलसरी कर देंगे आप हर जगह। सर ये सी पोर्ट क्या होता है? सी पोर्ट बेटा यूएसबी कनेक्टर, ये है ना सी। अच्छा अच्छा तो ठीक है, लेकिन अगर उस रूम में तो आईफोन में अगर आप देखोगे तो लाइटनिंग कनेक्टर आता है, देखा है आपने? तो अब वो बंद हो जाएगा, आई थिंक कहीं कहीं रखा होगा। एक सेकंड में लाता हूँ, एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड दे दो, मैं लेके आके दिखाता हूँ क्या होता है। आप देख रहे हो ये थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। यस सर। यस सर। इसमें छोटे-छोटे लाइंस एम्बेडेड है, दिख रहा है क्या? हां स्टार्टिंग में। ये रेगुलेट करेंगे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब ये जो लाइंस है बेटा और उसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे निकले होंगे कुछ चिप्स, माइक्रो चिप्स, वो मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये कनेक्टर जो है लाइटनिंग कनेक्टर है, ठीक है, ये पुराने आईफोन्स में आता है सेमीकंडक्टर में। हाँ ये थोड़ा सा फास्ट होता है, मतलब थोड़ा क्या, थोड़ा मोड़ा ही फास्ट होता है, और इन सब से जबरदस्त फास्ट होता है अपना वन एंड ओनली वन प्लस। ऑल्दो इट इज अ चाइनीज, सो आई डोंट सपोर्ट चाइनीज फोन, आई लिटरली हेट इट, इसलिए मैं सैमसंग यूज करता हूँ और आईफोन। ठीक है, मेरे पास भी सैमसंग। हाँ ठीक है, चाइना फोन। हाँ बेटा बोलो। सर क्या एसी करंट एरिया पे भी डिपेंड करता है? सर मुझे करंट लगा था ना तो आयरन का वो था, तो नीचे तो करंट नहीं आ रहा, जैसे ऊपर पकड़ा था तो करंट लग रहा था। हाँ ऐसा होता है कभी कभी किसी किसी केस में, जैसे आपका आयरन बॉक्स जो होता है जैसे कपड़े वगैरह को वो करते हैं, कभी कभी उसके ऊपर के पार्ट में करंट फ्लो हो जाता है, नीचे में नहीं होता है, तो ऐसा होता है कि कोई सर्किट थोड़ा सा लूज हो जाता है तो एरिया पे भी डिपेंड कर जाता है। ओके सर। सर थोड़ा फेजर एक्सप्लेन कर दो। करण बेटा फेजर तो अभी मैंने नहीं एक्सप्लेन किया, जस्ट एक बेसिक एक्सप्लेन किया कि यार मतलब अगर कोई भी चीज सर्कल में रोटेट करती है तो दे एक्चुअली फॉर्म अ साइनोसोडल वेव, और ये इसलिए करता है क्योंकि पहली बार में वैल्यू यहाँ पे मिलती है, फिर थोड़ी दूर, फिर थोड़ी दूर, फिर थोड़ी दूर, तो जब हम इसको ट्रेस करते हैं तो वी गॉट अ कर्व लाइक दिस एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 90 डिग्री। फेजर डायग्राम तो मैं थोड़ी देर में भी बताऊंगा। हाँ अमित बेटा बोलो। सर मैं कह रहा था कि जो अडेप्टर होता है उसके हाँ। चार्जिंग वाले अडेप्टर क्यों देते हैं? डायरेक्ट करंट थोड़ा सा क्यों नहीं दे देते कम करके, मोबाइल की कैपेबिलिटी जल्दी चार्ज हो जाएगा 2 सेकंड में। नहीं बेटा यूएनवा पूछेगी भैया जवाब दो। ठीक है चलो चलो आगे चलते हैं बेटा। ठीक है अब मैं बताता हूँ पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है? तो एक खतरनाक वैल्यू होती है। पीक क्या होती है? पीक को ही हम बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सर एनबीए ओमेगा होगा। हाँ यही होगा बेटा ईएमएफ। लेकिन 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 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ कहाँ पे, कहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये कि इसको मेजर वन पे होगा। वन पे इसको मेजर करते इन वन कंप्लीट साइकिल। इन वन कंप्लीट साइकिल तो क्या सर साइकिल पे बैठ के इसको चेक करना है? नहीं बेटा, साइकिल का मतलब क्या होता है, आपने इस कर्व में देखा बेटा किसने अपना एक साइकिल पूरा किया यहाँ से लेके यहाँ तक घूम के देखा आपने, यहाँ से घूमा यहाँ पे वैल्यू आई, यहाँ पे इसकी वैल्यू 360 डिग्री घूमते है ना। हाँ ये देखो ये कंप्लीट चक्कर अगर मार लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक तो यहाँ से ऐसी वैल्यू मिलेगी हमको, एक कंप्लीट चक्कर घूम के यहाँ आ जाएगा तो। और ग्राफ में ये वैल्यू कैसे मिलेगी, यहाँ से घूम के यहाँ चला गया ये तो मैं आपको बता रहा था, ग्राफ में ऐसे मिलेगी। तो इसी चीज को हमने बोला, इसको हम बोलेंगे साइन पीक वैल्यू। अब पीक वैल्यू कितनी होती है तो हम बोलते हैं पीक वैल्यू होती है ई नॉट। दिस इज कॉल्ड एज। हाँ बेटा बोलो। सर पीक वैल्यू जो है वो साइकिल से कैसे रिलेट है, मतलब साइकिल में तो बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स भी है ना। नहीं अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी एन बी ए ओमेगा के बराबर पढ़ी थी, याद है ई नॉट हमने फाइंड किया।
और I नॉट होती है ठीक है। अब I नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I नॉट को मैं ठीक है, अब आप इसको लिख तो लोगे ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, एन लिख ही देता हूँ ओमेगा अपॉन आर, ये होती है आपकी आई नॉट की वैल्यू। अब ये कहाँ होती है ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा अभी किसी को नहीं समझ में आया बेटा कि एक सर्कल में कोई चीज रोटेट करती है तो एक ग्राफ बनता है, तो अभी बता दो एस एच एम में, ऑल दो आप पढ़ के आए हो बट आपको आपने उतनी क्लियरिटी से नहीं पढ़ा एस एच एम, इसलिए वो आपको समझ नहीं आया, बट इट इज फाइन, एस एच एम का कोई बहुत ज्यादा इसमें लेना देना है नहीं। देखो अभी तक आपको ये समझ में आ गया ना बेटा, ये ग्राफ तभी बनेगा जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करेगा या रोटेशनल मोशन करेगा ठीक है। तो वन कंप्लीट साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं, वन कंप्लीट साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसमें दो वैल्यू मिलेगी, दिस वैल्यू इज फर्स्ट पीक वैल्यू, दिस वैल्यू इज सेकेंड पीक वैल्यू, इट इज माइनस। तो एक बच्चे ने पूछा था ना एक कंप्लीट साइकिल में कितनी वैल्यू आएगी, तो बेटा अगर एक कंप्लीट साइकिल के बारे में आप बात करो तो दो ही पीक वैल्यू आएगी, तो उससे ज्यादा पीक वैल्यू पॉसिबल नहीं है ठीक है। और आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो कि दिस इज द 90 डिग्री एंगल व्हिच इज द मैक्सिमम वन फॉर साइन एंड दिस इज अगेन द मैक्सिमम वन फॉर साइन, मिनिमम वन फॉर साइन ठीक है, क्योंकि साइन 360 जीरो हो जाता है, और आई थिंक आप लोग को जीरो बड़ा है माइनस वन बड़ा है मैक्सिमम क्या चीज बेटा, वोल्ट कितना हो सकता है, उसका वोल्टेज मैक्सिमम कितना हो सकता है, उसका मैक्सिमम वोल्टेज हो सकता है इंफिनिटी, यस बेटा डिपेंड करता है सर, कहीं पे तो लिखा हुआ था 15 वोल्ट होता है उसका मैक्सिमम, बेटा अभी 230 मेरा घर में आ रहा है और बताओ ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आते जाते हैं ये लिखा होगा, 50 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड आ जा सकता है, 15 वोल्ट बहुत कम हो जाएगा ठीक है, सप्लाई, हाँ सप्लाई पे डिपेंड होता है बेसिकली, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते ठीक है, होप नो ठीक है। सर फ्रीक्वेंसी तो कंट्री वाइज सिस्टम वो डिपेंड होती है ना, हाँ ये पूरा कंट्री पे डिपेंड करता है, यूएन को आपको बताना होता है, नो बॉय सर ऊपर वाला पेज दिखाने के लिए जी बेटा बस सर ओके चले आगे, इसमें डाउट है किसी को, जब ये ऊपर वाली पीक प्लस वन और नीचे वाली माइनस वन, तो इसको अगर ओवरऑल देखें तो पीक वैल्यू तो जीरो हो जाएगी ना, नेट पीक वैल्यू जीरो होगी। हाँ राहुल बेटा आपका पढ़ा मैंने, मिन सर मिनिमम वैल्यू ईएमएफ की क्या होगी, माइनस एन बी ए ओमेगा अपॉन आर होगी बेटा। सर जो हमारे घर में आती है करंट या फिर और जो सप्लाई होती है उससे ज्यादा क्यों होती है, आपके घर में जो आती है बहुत कम होती है बेटा, बाहर से बहुत ज्यादा आती है, थोड़ा सा लॉस होता है, फिर आपके घर के बगल एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगता है जो उस आते हुए करंट को रेगुलेट करके सप्लाई करता है सबके घर में, और ज्यादा भेजने का एक सेंस की वैल्यू जो पीक वैल्यू जो आ रही है सर, जो फॉर्मूला लिखवा है वो लिखवा है आपने ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, जी जी बेटा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दिस ई नॉट इज बेसिकली This is E बेटा, E की वैल्यू मैंने लिखवाई थी E नॉट साइन ओमेगा टी, अब ये E नॉट सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये लिखवाया था बेटा मैंने, देखो यहाँ पे यस सर, देखो अगर आप थोड़ा सा ऊपर आओगे ना तो ये लिखवाया था मैंने, देखो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी ठीक है क्या, और किसी को बेटा कोई डाउट इससे रिलेटेड? सर अभी आप क्या कह रहे हैं कि ज्यादा करंट भेजने का, देखो बेटा ये होता है पावर हाउस, आपके घर में आता है 230 वोल्ट, अब ये अगर 230 वोल्ट ही भेजेंगे ना तो नहीं पहुंच पाएगा यहाँ तक, क्योंकि तार में थोड़ी सी हीटिंग होगी, थोड़ा सा हमिंग होगा, ये सब आप पढ़ोगे करके आवाज आता है हमिंग, इसमें पावर लॉस होता है, हीटिंग लॉस होता है, अब ये 230 भेजेंगे तो आपके घर आते आते 200 बच जाएगा, जैसे आपको घर से सामान 220 225 से 230 के बीच में आता है आपके घर में, हमारे में 220 आता है, 220 आता है, चलो कोई बात नहीं, आता है, मैं सुना है। एक स्टेट है जहाँ पे
बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट। अब पता नहीं वो ऐसा है कि नहीं, मैं अपने फ्रेंड के मैरिज फंक्शन में गया था तो वहां पे करंट का रेगुलेशन बहुत जबरदस्त था। आप वहां मत जाइएगा, आपका